सिरसा लोकसभा क्षेत्र को हरियाणा की गैर कांग्रेसी राजनीति का केंद्र माना जाता है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र का गठन 1962 में हुआ था। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में सिरसा जिले के अलावा फतेहाबाद और जींद जिलों की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। सिरसा जिले की सिरसा, डाबाली, कालावाली, रानिया, रोड़ी और एलनाबाद विधानसभा सीटें सिरसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। फतेहाबाद जिले की फतेहाबाद और रतिया विधानसभा सीटें भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं। इसके अलावा जींद जिले की नरवाना और टोहाना विधानसभा सीटें भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में सिरसा को इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ माना जाता है। पहली बार इस चुनाव में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन के चलते भाजपा ने कभी यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। के चुनाव में सिरसा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इंडियन रेवेन्यू सेवा की अधिकारी सुनीता दुग्गल ने इनकम टैक्स विभाग के सहायक कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अंतिम समय पर समझौता होने के बाद भाजपा ने सिरसा की सीट कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। बाद में भाजपा ने सुनीता दुग्गल को रतिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया था, लेकिन सुनीता दुग्गल चुनाव हार गई थी। इस बार सुनीता दुग्गल को सिरसा से भाजपा की टिकट मिलना निश्चित माना जा रहा है। सुनीता दुग्गल ने हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री हासिल की है। वर्तमान में सुनीता दुग्गल हरियाणा स्टेट एससी कमीशन की चेयरपर्सन के पद पर कार्य कर रही हैं। सुनीता दुग्गल के पति राजेश दुग्गल हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सिरसा से भाजपा की टिकट के लिए पंजाबी लोक गायक हंस राज हंस का नाम भी चर्चा में है। पद्म श्री से सम्मानित हंस राज हंस इससे पहले अकाली दल की टिकट पर जलंधर से चुनाव लड़ चुके हैं। हंस राज हंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी माना जाता है। हरियाणा और पंजाब में हंस राज हंस भाजपा की रैलियों में प्रचार करते अक्सर नजर आते हैं। पंजाबी आबादी की बहुसंख्या वाले सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हंस राज हंस काफी प्रभावित साबित हो सकते हैं। सिरसा से भाजपा की टिकट के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी कामराज को भी दावेदार माना जा रहा है। कामराज को सिरसा के एसपी के रूप में काफी लोकप्रियता मिली थी। सेवानिवृत्ति के बाद वह सिरसा को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाने के लिए सक्रिय हैं। सिरसा से कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। डॉक्टर अशोक तंवर 2009 में सिरसा से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। डॉक्टर तंवर हरियाणा के मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं और इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने सभी कद्दावर नेताओं को विधानसभा की चिंता छोड़ लोकसभा के चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर तंवर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नजदीकी नेताओं में माना जाता है। डॉक्टर तंवर के अलावा सिरसा से कांग्रेस की टिकट का कोई दावेदार नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से सिरसा से निवर्तमान सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को दोबारा मैदान में उतारना तय माना जा रहा है, लेकिन विभाजन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की धार काफ़ी कम हुई है। सिरसा के लोग चरणजीत सिंह रोड़ी के प्रदर्शन से भी खुश नहीं हैं। कालावाली से अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह भी इस बार सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ने में रुचि दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और दुष्यंत चौटाला की नवगठित जन नायक पार्टी भी सिरसा से अपनी राजनीतिक संभावनाओं की तलाश कर रही है। ऐसे में इस बार सिरसा में रोचक बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्राचीन समय में सिरसा की धरती सरस्वती दरिया के प्रवाह के लिए जानी जाती थी। तारा बाबा की तपस्या ने सिरसा को आध्यात्मिक धरातल प्रदान किया है। हरियाणा की राजनीति के पितामह चौधरी देवीलाल ने भी सिरसा से अपनी राह की तलाश की थी। डेरा सच्चा सौदा, डेरा जगमालवाला और राधा स्वामी डेरा सिकंदरपुर सिरसा की राजनीति की गहराई का एहसास करवाते हैं। कृषि प्रधान होने के कारण सिरसा किसान आंदोलनों का भी केंद्र रहा है। देखना है कि इस बार सिरसा के मतदाता हरियाणा की राजनीतिक दीवार पर किस पार्टी के हक में इबारत लिखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दो ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।